हाय गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं मॉडल के बारे में और मॉडल क्लास के बारे में। तो मॉडल क्या होता है पहले ये समझते हैं। मॉडल इज़ अ सिंगल डेफिनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटा। तो आपका डेटा का ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कौन? मॉडल। इट कंटेन्स द एसेंशियल फील्ड एंड बिहेवियर्स ऑफ द डेटा यू आर स्टोरिंग। जो भी आप डेटा स्टोर करने वाले हैं उनका ये एसेंशियल फील्ड और बिहेवियर कंटेन करता है। जनरली ईच मॉडल मैप्स टू अ सिंगल डेटाबेस टेबल। हर एक मॉडल आपका एक टेबल बनेगा डेटाबेस में जाकर। ये हो गया मॉडल के बारे में जानकारी। अभी मॉडल क्लास के बारे में बात करते हैं। तो मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास इज ए क्लास विच विल रिप्रेजेंट अ टेबल इन डेटाबेस। तो मॉडल क्लास रिप्रेजेंट करेगा डेटाबेस के एक टेबल को, यानी कि एक मॉडल क्लास एक डेटाबेस टेबल बनेगा। ईच मॉडल इज अ पाइथन क्लास दैट सब क्लास जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल। तो जितने भी आप यहाँ मॉडल क्लासेस बनाने वाले हैं वह सारे के सारे चाइल्ड क्लास होंगे इस मॉडल क्लास के, यानी कि एक मॉडल क्लास पहले से बना हुआ है, एक मॉडल क्लास पहले से बनाया गया है जेंगो के द्वारा। हमें उनका बस चाइल्ड यानी कि सब क्लास बनाना है और उसी पेरेंट का यूज़ करके, यानी कि उसी मॉडल का क्लास का यूज़ करके जो कि जेंगो ने बनाया है, उसी मॉडल क्लास का यूज़ करके उसको इनहेरिट करके हमें अपना मॉडल क्लास बनाना है। ईच एट्रीब्यूट ऑफ द मॉडल रिप्रेजेंट अ डेटाबेस फील्ड। तो क्लास बनाते हैं, क्लास में क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है। तो हर एक एट्रीब्यूट डेटाबेस टेबल का एक फील्ड बनेगा, यानी कि यहाँ एक एट्रीब्यूट डेटाबेस टेबल का एक फील्ड बनेगा। विथ ऑल ऑफ दीज जेंगो गिव्स यू एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड डेटाबेस एक्सेस API। जेंगो प्रोवाइड्स बिल्ट इन डेटाबेस बाय डिफॉल्ट दैट इज SQLite डेटाबेस। तो हम लोग ORM का यहाँ यूज़ करेंगे और हमें जेंगो क्या देता है? जेंगो हमें एक बिल्ट इन डेटाबेस देता है जो कि है SQLite डेटाबेस। बट आप SQLite के अलावा ही जो डेटाबेस है जैसे MySQL है और SQL है, तो इनका भी यूज़ आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने जेंगो प्रोजेक्ट को। लेकिन अगर हम लोग SQLite का यूज़ करें तो हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने का सकता फिलहाल अभी नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें करके हमें दिन मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको MySQL यूज़ करना है फिर और SQL यूज़ करना हो तो आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेगी अपने जेंगो प्रोजेक्ट में। कुछ नहीं है, माइनस से चेंज करना पड़ता है, वो आपको बता दूंगा बाद में। फिलहाल हम लोग अभी लेकर चलेंगे SQLite डेटाबेस को ही। अब आते हैं मेन पॉइंट में और जानते हैं कि क्रिएट आवर ऑन मॉडल क्लास, यानी कि हम अपना मॉडल क्लास कैसे बना सकते। एक तो मॉडल क्लास पहले से बना हुआ है जो कि जेंगो के द्वारा, बट हमें अपना मॉडल क्लास बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इस क्लास को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए एक फाइल जो कि है models.py फाइल, जो आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में। ये फाइल ज़रूरी है, ये फाइल आपको अपने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर नहीं है तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा फॉलो किया है जो इसका इंस्ट्रक्शन है जेंगो का कि आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, फिर अपना एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एप्लीकेशन का नाम, तो ये फाइल आपको क्रिएट होकर पहले से मिल जाएगा। और आप अगर मैनुअली सब कुछ फोल्डर बाय फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपको ये वाला क्रिएट करना पड़ेगा। बट हम लोग मैनुअली में नहीं गए हैं, हम लोग शुरू से देख रहे हैं कमांड के थ्रू ही क्रिएट करते हुए, जो कि ईजी है और जो सभी लोग फॉलो करते हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका है। तो उसको अगर आपने फॉलो किया है तो models.py फाइल आपके एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर में पहले से मौजूद होगा। तो इसको हमें ओपन करना है, देन हमें अपना मॉडल क्लास लिखना है। मॉडल क्लास क्या करेगा? मॉडल क्लास इनहेरिट करेगा पाइथन के मॉडल क्लास को, अगर आप जेंगो के मॉडल क्लास को कहें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मॉडल क्लास को ये इनहेरिट करेगा। ओके जी, कैसे बनाना है इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, आप क्लास लिखते हैं, देन क्लास का नाम लिखते हैं, बिटवीन पैरेंथेसिस आपको लिखना है मॉडल्स स्मॉल में डॉट मॉडल का एम कैपिटल, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। क्लास नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी लिखना। देन यहाँ इसके अंदर हम लिखते हैं फील्ड नेम इक्वल देकर मॉडल्स स्मॉल में लिखना है एज इट इज़ डॉट फील्ड टाइप। फील्ड टाइप अलग अलग होते हैं, किस तरीके का आपको फील्ड टाइप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फील्ड टाइप डिफाइन करना पड़ता है। देन इसके अंदर में आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, देन ऑप्शंस लिखे जाते हैं, यानी कि फील्ड ऑप्शंस लिखे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फील्ड नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। आपका फील्ड नेम आपके डेटाबेस टेबल का कॉलम बनेगा। मॉडल्स आपको एज इट इज़ लिखना है और फील्ड टाइप अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो एग्जांपल देखते हैं, पहले एक छोटा सा models.py फाइल ओपन करना है, देन क्लास कीवर्ड लिखते हुए स्टूडेंट कि क्लास हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने सीखा हुआ कि क्लास नाम आप जब भी लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखिए, तो हमने स्टूडेंट का एस यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। बिटवीन पैरेंथेसिस आपको मॉडल्स लिखना है स्मॉल में डॉट देकर आपको मॉडल लिखना है मॉडल का एम कैपिटल, कॉलन दिया,
देन पहला हम लोग एट्रीब्यूट यानी कि फील्ड नेम पहला हम लोग लिख रहे हैं, पहला मैंने लिखा है STUID। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो STUID हमने लिखा इक्वल लिखा मॉडल्स स्मॉल में लिखना है एज इट इज डॉट इंटीजर फील्ड। हमने फील्ड टाइप यहाँ पर दिया हुआ है इंटीजर फील्ड। और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, मैं सभी आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फील्ड टाइप हमने इंटीजर फील्ड लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है जी? तो अगर मैं सोचूँ एज ए प्रोग्रामर, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोचूं कि STUID अगर किसी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या फिर स्कूल के लिए मैं बना रहा हूं तो स्टूडेंट आईडी क्या होगा। स्टूडेंट आईडी मुझे बताया गया स्कूल में, मैंने स्कूल का जो ऑनर उससे पूछा तो उसने कहा कि एक नंबर होगा, नंबर मतलब इंटीजर नंबर होगा, तो इसका मैंने टाइप दे दिया इंटीजर फील्ड। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं जो अपना फील्ड नेम बना रहा हूं, ये किस टाइप का होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, वही आप यहाँ पर फील्ड टाइप लिखते हैं। तो मुझे पता है कि STUID का डेटा टाइप मुझे बनाना है क्या, इंटीजर, तो मैंने यहाँ इंटीजर फील्ड लिखा। उसी डेटा टाइप को यहाँ पर फील्ड टाइप कह रहे हैं आप, बस और कुछ भी नहीं, नाम अलग अलग है। देखिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। इस फील्ड नेम को कुछ लोग कहते हैं कॉलम नेम, बिकॉज ये हमारा टेबल का एक कॉलम बनता है जाकर। इसको कुछ लोग कहते हैं, चूंकि ये क्लास के अंदर है तो इसको आप कहते हैं एट्रीब्यूट नेम, तो आप एट्रीब्यूट भी इसको कह सकते हैं। इस तरीके से फील्ड टाइप, चूंकि इस का टाइप डिफाइन करता है कि ये किस टाइप का होगा, तो आप इसको डेटा टाइप भी कह सकते हैं, फील्ड टाइप भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट टाइप भी आप कह सकते हैं। तो इतने सारे नामों से इनको पुकारा जाता है। आपको जो भी नाम पसंद आए वो आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको आप चुन्नू मुन्नू भी कह सकते हैं अपनी मर्जी से। अभी आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में और दूसरा फील्ड हम लोग देखते हैं। दूसरा फील्ड हमने बनाया हुआ है STUNAME=models.charField। ये कैर फील्ड हमने क्यों लिखा हुआ है जी? कैर फील्ड हमने इसलिए लिखा हुआ बिकॉज नाम जो होता है वह कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर पर ABCD इस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नाम लिखा जाता है, इसलिए हमने इसका फील्ड टाइप लिखा कैर फील्ड। बिटवीन पैरेंथेसिस हमने मैक्स लेंथ दिया हुआ था, यहाँ पर आप लेंथ इसका डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप कैर फील्ड लिखते हैं तो ये जरूरी है कि आप इसका लेंथ डिफाइन करें। मैक्स लेंथ कितना? 70 से ज़्यादा नहीं। उसी तरीके से एक और देखिए, ईमेल फील्ड है यहाँ पर, STUAEmail लिखा models.emailField। ईमेल स्टोर करना है तो हमने ईमेल फील्ड इसका फील्ड टाइप दे दिया, इसका हमने मैक्स लेंथ दे दिया। उसी तरीके से स्टूडेंट का पासवर्ड हमें चाहिए तो STUPass और कैर फील्ड दिया, बिकॉज हमें इसमें कैरेक्टर चाहिए पासवर्ड में, तो हमने कैर फील्ड दिया हुआ है। इसमें ये जो लेंथ है आपका, जो आप मैक्स लेंथ लिखते हैं, कैर फील्ड जब आप यूज़ करते हैं फील्ड टाइप कैर फील्ड, तो मैक्स लेंथ देना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसमें समझिए, जैसे कि दिस क्लास विल क्रिएट अ टेबल विथ कॉलम्स एंड देयर डेटा टाइप्स। तो ये जो अपने क्लास बनाया, जो अपने मॉडल क्लास, इसी को हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। तो ये जो अपने मॉडल क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, ये क्या करेगा, ये आपके डेटाबेस में जाएगा और एक टेबल क्रिएट करेगा और कॉलम्स क्रिएट करेगा, और उन कॉलम्स का डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप मतलब फील्ड टाइप होगा। डेटाबेस में टेबल का जो नाम होगा वह होगा एप्लीकेशन नेम अंडरस्कोर क्लास नेम। इन दिस केस इट विल बी इनरोल। मान लीजिए कि हमने हमारा जो models.py फाइल है ये एक इनरोल नाम के एप्लीकेशन के अंदर में, तो इस केस में हमारा टेबल में जो टेबल का जो नाम होगा, यानी कि डेटाबेस में जो टेबल का नाम होगा वह होगा इनरोल अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? हमारा यहाँ क्लास का नाम है। ओके जी, तो ये हमारा टेबल का नाम बनेगा। देन फील्ड नेम का क्या होगा? फील्ड नेम विल बिकम टेबल्स कॉलम नेम। तो फील्ड नेम जो भी आप लिखते हैं, जैसे हमने STUID लिखा हुआ, STUNAME लिखा, STUEmail लिखा, STUPass लिखा हुआ, तो ये हमारा कॉलम का नाम बनेगा, यानी कि हमारा डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनेंगे उन कॉलम्स का नाम होगा जो भी आपने फील्ड नेम दिया हुआ है वह। इन दिस केस इट विल बी STUID, STUNAME, STUEmail, STUPass विद देयर डेटा टाइप या फिर फील्ड टाइप। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने कोई भी प्राइमरी की डिफाइन नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई टेबल बनाते हैं तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर एक रो को, इसीलिए हम लोग एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। तो हमने यहाँ ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब आप ऐसा नहीं करते, आप ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें से किसी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, एज वी हैव नॉट मेंशनड प्राइमरी की इन एनी ऑफ दीज कॉलम्स, सो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ न्यू कॉलम नेम्ड आईडी डेटा टाइप इंटीजर विद प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड। जब आप इस क्लास में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट या फिर कोई भी ऐसा फील्ड आप नहीं बनाते हैं जिसमें अपने प्राइमरी की लिखा हो, तो उस केस में आपका एक कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसको उसमें प्राइमरी की बना दिया जाएगा और उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, और उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर फील्ड रहेगा, और उसका नाम रहेगा उस कॉलम का आईडी। तो इस केस में अगर आप देखें, आप हमारे पास
जो कॉलम बनेगी, हमारा जो टेबल बनेगा, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा डेटाबेस है और हमारा डेटाबेस का टेबल बनेगा। टेबल का नाम क्या होगा? टेबल का नाम होगा इनरोल अंडरस्कोर, जो क्लास का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम इनरोल लिखा मैंने, और हमारे क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो ये हमारा टेबल का नाम बन गया। अब इस टेबल में कॉलम्स बनेंगे, तो कॉलम्स का क्या नाम होगा? जो फील्ड का नाम आप लिखते हैं वही कॉलम का नाम बनता है। तो पहला हमारा, इधर से मैं लिखता हूँ, ये हमारा पहला कॉलम बना, ये बनेगा हमारा एस टी यू पास, ये दूसरा एस टी यू ईमेल, और ये तीसरा इधर से मैं लिख रहा हूँ एस टी यू नेम, और ये एक हमारा बनेगा क्या क्या कितना मैंने बना दिया इसमें, एक एस टी यू पास के लिए, एक एस टी यू ईमेल के लिए, एक एस टी यू नेम के लिए, और एक एस टी यू आई डी, और ऑटोमेटिकली एक क्रिएट किया जाएगा जो कि रहेगा आई डी। तो ये हमारा बन गया जी टेबल, इस क्लास का टेबल बन गया ये वाला डेटाबेस में जाकर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये हमारा प्राइमरी की बनेगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा हर एक रॉ को इस टेबल के। ये क्यों होता है, क्यों ये ऑटोमेटिकली हमारा क्रिएट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की नहीं बनाया, किसी भी फील्ड को प्राइमरी की नहीं बनाया। अगर बनाते हैं तो फिर ये हमारा क्रिएट नहीं होता ऑटोमेटिकली। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कि ये बनाना कैसे है। तो ये हमें कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है वो समझते हैं। ये हमें बनाना होता है मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये जो हम लोग कोड लिखते हैं पूरा, ये जो हम लोग पूरा कोड लिखते हैं, ये हमें कहाँ लिखना होता है? ये हमें लिखना होता है हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फोल्डर, हमने इस पर इनरोल नाम का एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में आप एक फाइल देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा मॉडल्स डॉट पी वाई। इस फाइल को आपको ओपन करना है, देन आपको ये क्लास का कोड लिखना होता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा एक एसक्यूएल का क्वेरी जनरेट होता है, यानी कि हमारा एक टेबल क्रिएट करेगा। तो एसक्यूएल का क्वेरी कुछ इस तरीके से इसके इक्विवेलेंट बनेगा ये वाला। तो ये वाला जो क्लास आप लिखते हैं ये बन जाता है ये वाला, और ये कौन करता है? हमारा ओ आर एम करता है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया हमारा एक टेबल का कोड। अभी हमारा टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ क्या हुआ है, ये क्वेरी हमारा जनरेट हुआ इस टेबल से, ये कोड बना है एसक्यूएल का। जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तब तक आपका डेटाबेस में टेबल नहीं बनेगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो कैसे करवाएंगे जी? मैं बताऊंगा कि कैसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। रूल्स क्या हैं? फील्ड नेम इंस्टेंशिएटेड एज अ क्लास एट्रीब्यूट एंड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टेबल्स कॉलम नेम। तो फील्ड नेम जो कि क्लास का एक एट्रीब्यूट होगा वह रिप्रेजेंट करेगा टेबल के एक कॉलम को, कॉलम नेम को। फील्ड टाइप इज ऑल्सो नॉन एज डेटा टाइप। तो फील्ड टाइप को कुछ लोग डेटा टाइप भी कहते हैं, एट्रीब्यूट टाइप भी कहते हैं। अब फील्ड नेम कैन नॉट बी अ पाइथन रिजर्व वर्ड। फील्ड नेम पाइथन का जो रिजर्व वर्ड है वह आप नहीं रख सकते हैं, बिकॉज दैट वुड रिजल्ट इन अ पाइथन सिंटेक्स एरर, वरना आपको सिंटेक्स एरर मिलेगा। तो सबको ध्यान रखना होता है कि फील्ड नेम आप जो भी लिख रहे हो वह रिजर्व वर्ड ना हो पाइथन का। अ फील्ड नेम कैन नॉट कंटेन मोर देन वन अंडरस्कोर इन अ रॉ ड्यू टू द वे जेंगो क्वेरी लुकअप सिंटेक्स वर्क्स। तो मैं कहूँगा कि आप फील्ड नेम को एक साथ लिखिए, एक वर्ड में लिखिए, दो वर्ड में लिख नहीं सकता नहीं है, या फिर जरूरत पड़े तो एक अंडरस्कोर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अ फील्ड नेम कैन नॉट एंड विथ एन अंडरस्कोर। एक फील्ड नेम को आप लास्ट में अंडरस्कोर से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि फील्ड नेम से रिलेटेड हैं खास करके। तो चलिए, हमने मॉडल समझ लिया कि मॉडल क्या होता है, मॉडल क्लास क्या होता है, हमने मॉडल क्लास भी अपना बना लिया। अब इसको यूज़ कैसे करें, यानी कि हाउ टू यूज़ मॉडल्स, मॉडल्स क्लास को, मॉडल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। वंस यू हैव डिफाइंड योर मॉडल्स यू नीड टू टेल जेंगो यू आर गोइंग टू यूज़ दोज मॉडल्स। तो जब तक आप जेंगो को बताएंगे नहीं तब तक आप काम नहीं होने वाला, यानी कि आपको जेंगो को बताना पड़ेगा कि भाई मुझे मॉडल्स को यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो आप सेटिंग डॉट पी वाई फाइल में जाइए, वहाँ पर जिसे आप ऐप नेम लिखते हैं उसी तरीके से आपको इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर ऐप्स में जाना है और ऐप का नाम लिख देना है। यहाँ पर पहले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बस ऐप नेम लिखना है, जिस तरीके से आप किसी ऐप को प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दें बस वही काम आपको करना है। अगर आपने पहले से करके रखा हुआ है तो फिर दोबारा से नहीं करना है, ठीक है? मतलब जिस भी एप्लीकेशन में आपका मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है उस एप्लीकेशन का नाम आपको सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में जाकर इंस्टॉल्ड ऐप में इस लिस्ट में जाकर लिखना पड़ता है। बस ये कर दिया, उसके बाद आपको
टर्मिनल ओपन करना है, फिर कमांड प्रॉम्प्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, या आपको कमांड रन करना है। पहला कमांड आपको रन करना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का, मेक माइग्रेशंस एस लगा हुआ है, माइग्रेशन बहुत लोग लिखते हैं काम नहीं करता, एस लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। देन इससे क्या होगा, इससे आपका क्लास से क्वेरी बन जाएगा, लेकिन उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा ये वाला कमांड, यानी कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, यानी कि हम लोग माइग्रेशंस का काम करें। तो माइग्रेशन होता क्या है भाई, पहले ये तो समझ लें। माइग्रेशंस आर जेंगोज वे ऑफ प्रोपगेटिंग चेंजेस यू मेक टू योर मॉडल्स, एडिंग अ फील्ड, डिलीटिंग अ मॉडल, रिमूविंग अ फील्ड इन टू योर डेटाबेस स्कीमा। तो माइग्रेशंस आर जेंगोज वे, ये जेंगो का तरीका है एक तरीके से, कि आप अपने मॉडल्स में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये चेंजेस करेगा आपके डेटाबेस स्कीमा में, यानी कि डेटाबेस के टेबल्स में। स्कीमा मतलब टेबल आप कह सकते हैं। तो इसके लिए जेंगो हमें चार कमांड्स देता है। पहला कमांड जो हमने देखा भी कुछ देर पहले, मेक माइग्रेशंस, ये कमांड क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू माइग्रेशंस बेस्ड ऑन दी चेंजेस यू हैव मेड टू योर मॉडल्स। तो ये क्या करता है, ये माइग्रेशंस क्रिएट करता है। आपने एक माइग्रेशन पहले से बनाया हुआ है, उसमें आप कुछ चेंज करते हैं तो उसको फिर से बनाना, या फिर आपने नहीं बनाया है कोई भी, पहली बार आप बना रहे हैं तो उसको क्रिएट करना। दूसरा कमांड हमारा है माइग्रेट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग एंड अनअप्लाइंग माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन आपने बनाया, जो माइग्रेशन आपका क्रिएट हुआ मेक माइग्रेशन का यूज़ करके, देखिए हमने एक मॉडल क्लास बनाया, मॉडल क्लास बनाने से कुछ नहीं होता, वो तो सिर्फ सिंपली पाइथन का कोड है। तो क्लास आपने बना लिया, क्लास जैसे आप बनाते हैं और आप मेक माइग्रेशंस कमांड रन करते हैं, तो आपका एसक्यूएल क्वेरी जनरेट हो जाता है। एसक्यूएल क्वेरी जनरेट हो गया, अब इस एसक्यूएल क्वेरी को अप्लाई करना है, तो आपको इसके लिए माइग्रेट कमांड रन करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों कमांड क्लियर है, कौन कौन से कमांड कब कब क्या क्या कर दें आपको ध्यान में रखना है हमेशा, वरना क्या कर दें लोग कि बस रट लिया उन लोगों ने कि हाँ डेटाबेस बनाना क्या करना है, मेक माइग्रेशंस मेक और माइग्रेट, और हमें नहीं वैसे हमें नहीं करना, हमें समझना है कि कौन सा कमांड किस लिए है। मेक माइग्रेशन किस लिए है, जो आप क्लास बनाते हैं उस क्लास को कन्वर्ट करता है ये एसक्यूएल क्वेरी में, मेक माइग्रेशंस, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं आसान भाषा में। अब उस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग माइग्रेट कमांड रन करते हैं। इसके अलावा हमें एक और कमांड मिलता है एसक्यूएल माइग्रेट, दिस डिस्प्लेज द एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर अ माइग्रेशन। तो आपने माइग्रेशन कर लिया मेक माइग्रेशन का यूज़ करके, जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी जनरेट होता है स्टेटमेंट उसको आप देखना चाहते हैं तो आप एसक्यूएल माइग्रेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देन एक और हमारा लास्ट है शो माइग्रेशंस, दिस लिस्ट्स अ प्रोजेक्ट्स माइग्रेशन एंड देयर स्टेटस। तो ये क्या करेगा, ये आपको स्टेटस दिखाएगा, जितने भी माइग्रेशंस आपके प्रोजेक्ट में सभी का ये लिस्ट दिखाएगा और उन माइग्रेशंस का ये स्टेटस भी आपको दिखाएगा। ये सारे कमांड्स मैं आपको रन करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में जानते हैं, ये जो दो कमांड्स हैं जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले, ये दो कमांड्स जनरली बहुत कम यूज़ होते हैं, हमें बार बार देखने का सकता नहीं, बस हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए हमें ये देखने का सकता पड़ेगी, लेकिन ये जो दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें मैक्सिमम टाइम रन करना पड़ता है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग लेते हैं। मेक माइग्रेशंस एंड माइग्रेट, ये दो कमांड्स। तो मेक माइग्रेशन क्या है, मेक माइग्रेशन इज यूज टू कन्वर्ट मॉडल क्लास इनटू एसक्यूएल स्टेटमेंट। मेक माइग्रेशन कमांड का यूज़ करके आप अपने मॉडल क्लास को एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ फाइल विच विल कंटेन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ये एक फाइल भी आपके प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देगा जो कि कंटेन करेगा एसक्यूएल स्टेटमेंट, हालांकि इसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं होता, उस फॉर्म में ये कोड नहीं होता, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा आपको आसानी से समझ में आएगा। वो पाइथन का कोड ही होता है, एसक्यूएल का स्टेटमेंट नहीं होता, बट उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि वो हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट, वो देखिए आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो। तो ये क्या करता है मेक माइग्रेशन का यूज़ करके हम लोग अपने मॉडल क्लास को एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और साथ में ये क्या करता है, ये हमें एक फाइल क्रिएट करके देता है। दिस फाइल इज लोकेटेड इन एप्लीकेशन माइग्रेशन फोल्डर, यानी कि हमारा ये एप्लीकेशन फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर जनरेट होता है जो कि माइग्रेशन नाम का, और इसके अंदर हमें एक फाइल मिलता है कुछ इस तरीके से 001_initial.py। ये फाइल हमारा जनरेट होता है अगर आप ये वाला कमांड रन करेंगे तो। ये जो फाइल है आपका, ये हर एक चेंजेस के साथ बढ़ सकता है, मतलब इनिशियली अगर आपने सिर्फ एक क्लास बनाया मॉडल क्लास, पहली बार आपने मेक माइग्रेशन रन किया तो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का एक फाइल 001_initial.py। ये पहला मॉडल क्लास के लिए आपको दिखाई दे रहा है,
अब मान लीजिए उस मॉडल क्लास में हमने कुछ चेंजेस किए, जैसे कि उसमें रहता है फील्ड नेम, फील्ड नेम क्या बनता है कॉलम नेम, बाद में मैंने कॉलम नेम कम कर दिया यानी कि कॉलम मैंने एक हटा दिया या फिर एक नया कॉलम मैंने ऐड किया, तो फिर से यहाँ पर एक फिर से हम लोग मेक माइग्रेशन करेंगे उस चेंजेस को, उस कोड को जो भी हमने कोड चेंज किया क्लास में, मान लेते हैं कि हमने एक नया कॉलम ऐड किया, तो उसको मैं फिर से एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर से मेक माइग्रेशन कमांड रन करेंगे, तो हमें यहाँ पर फिर से एक नया फाइल देखने को मिलेगा, बट दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेगा, वह कोड देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो डिपेंड करेगा, एक नया फाइल आपका क्रिएट होगा फिर से ये रन करने पर, फिर से आप कुछ चेंज करेंगे अपने क्लास में, फिर आप मेक माइग्रेशन करेंगे, फिर से एक नया फाइल क्रिएट होगा, इस तरीके से फाइल का भरमार हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसका सिंटैक्स कैसे, सिंटैक्स बेहद ही ईजी, आपको लिखना है पाइथन मैनेजर पी वाई मेक माइग्रेशंस, बस स्पेलिंग याद रखिएगा, एस लगाना है, बहुत ही माइनर सा मिस्टेक है जो बहुत लोगों के साथ होता है, एस नहीं लगाते हैं। दूसरा हमारा कमांड है माइग्रेट, तो माइग्रेट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेटेड बाय मेक माइग्रेशन, तो मेक माइग्रेशन जो कि मॉडल क्लास से एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को जनरेट करता है, इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम करता है माइग्रेट। दिस कमांड विल एग्जीक्यूट ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बिल्ट इन एप्लीकेशन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इफ अवेलेबल, तो अगर आपका कोई बिल्ट इन एप्लीकेशन है, जैसे बिल्ट इन एप्लीकेशन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर एप्स, उसमें हमारा बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, तो उसमें अगर कोई मॉडल क्लास है जो कि टेबल बनेगा तो उसको भी ये एग्जीक्यूट करवा देगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट टेबल विल बी क्रिएटेड, तो इस जब तक आप ये नहीं रन करेंगे तब तक आपका टेबल बनेगा नहीं, इस चीज़ से सिर्फ आपका मॉडल क्लास एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा, इस चीज़ से आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपका डेटाबेस में टेबल बनेगा। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है पाइथन मैनेजर पी वाई माइग्रेट। एक नोट जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इफ़ यू मेक एनी चेंज इन योर मॉडल क्लास यू आर रिक्वायर्ड टू रन मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड, ओनली देन यू विल गेट दोज चेंजेस इन योर एप्लीकेशन। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने मॉडल क्लास में कुछ भी चेंज करते हैं, ये जो हमारा मॉडल सर पी वाई फाइल, इसके अंदर जो हम लोग मॉडल क्लास बनाते हैं, इसमें आपने कुछ भी चेंज किया, एक कॉलम ऐड किया एक या फिर एक कॉलम आपने रिमूव किया, या फिर आपने किसी कैर फील्ड का आपने लेंथ बढ़ाया या कम किया, या फिर आपने किसी फील्ड का फील्ड टाइप चेंज किया, तो कुछ भी अगर आप चेंज करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप मेक माइग्रेशन कमांड रन कीजिए, फिर आप माइग्रेट कमांड रन कीजिए, तभी उसका इफेक्ट आपको अपने प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। धन्य एक और हमारा कमांड है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं, डिस्प्ले एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए जो हमारा कन्वर्ट होकर हमें मिलता है, उसके लिए हमें एक कमांड मिलता है, वी कैन रिट्रीव एसक्यूएल स्टेटमेंट बाय यूजिंग बिलो कमांड। कौन सा कमांड है जी, ये वाला है, पाइथन लिखना है, मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम लिखना होता है हमें, फिर हमें डी बी फाइल नेम लिखना होता है, डी बी फाइल नेम जो हमारा जैसे कि 0001 इनिशियल जो माइग्रेशन फोल्डर के अंदर में था, तो हमें ये वाला फाइल नेम लिखना होता है यहाँ पर, और यहाँ एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम जैसे कि इनरॉल, एग्जांपल दिखाता हूँ तब कुछ समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल के तौर पर हमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई फाइल एसक्यूएल माइग्रेट लिखा, देन ये हमारा एप्लीकेशन का नाम हो गया, क्योंकि यहाँ ऐप लेबल लिखा जाता है, तो एप्लीकेशन का नाम भी हम लोग इसको कह सकते हैं, और ये हमारा डी बी का फाइल नेम 0001। यहाँ अंडरस्कोर इनिशियल नहीं लिखना होता है, सिर्फ आप 0001 लिखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये फाइल नेम आप एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर जो माइग्रेशन नाम का फोल्डर है वहाँ पर आप जाकर फाइल नेम यानी कि 001 या फिर जो भी जिस भी फाइल का आपको जानना है वह आप पता लगा सकते हैं। इसमें क्या पता चलेगा, इसमें पता चलेगा एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो समझिए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, हमने मॉडल्स हम लोग मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में गए, वहाँ हमने एक क्लास बनाया इस तरीके से, इसमें फील्ड नेम लिखा, फील्ड टाइप लिखा, ये लिखने के बाद हम लोग रन करेंगे क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। जैसे आप ये रन करते हैं आपको इसके इक्विवेलेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट एसक्यूएल क्वेरीज इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, लिखा हुआ नहीं मिलता, ये बिहाइंड द सीन हमारा मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये हमें दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ये हम एसक्यूएल माइग्रेट कमांड जो हमने अभी देखा था उससे हमें ये दिख जाएगा, तो ये हमारा जनरेट हो जाएगा एसक्यूएल का कोड। इसके साथ ही एक फाइल हमारा जनरेट होता है, हमने अभी कुछ देर पहले देखा हुआ था कि हमारा एक फाइल जनरेट होता है माइग्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है माइग्रेशन नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हमारा एक फाइल जनरेट होता है इसी कमांड के रन होने से। उस फाइल को हम लोग समझते हैं,
उस फाइल के अंदर क्या होता है। तो वह फाइल हमारा कहाँ जनरेट होता है, वह फाइल हमारा जनरेट होता है एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, जो कि हमारे केस में इनरॉल है। इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है माइग्रेशन नाम का, देन इस फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल है 0001_initial.py। इसमें क्या कोड लिखा हुआ होता है वह समझिए। इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कोड हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है हमारे क्लास के अनुसार, यानी कि मॉडल क्लास के अनुसार। जब आप मेक माइग्रेशन रन करते हैं कमांड, तो ये हमारा पूरा कोड अपने आप लिखा हुआ हमें मिल जाता है। पहला कोड है जिसमें हम लोग इम्पोर्ट करते हैं माइग्रेशंस को और मॉडल्स को। देन एक क्लास बनता है माइग्रेशंस नाम का, जो कि इनहेरिट करता है माइग्रेशंस के माइग्रेशन क्लास को। देन इसमें एक हमें एट्रीब्यूट देखने को मिलता है जो कि इनिशियल, जिसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है ट्रू। देन दूसरा हमारा डिपेंडेंसीज यहाँ दिखता है, जो कि आपका खाली है। खाली ये कब रहता है, जब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इनिशियल पहली बार आपने कोई मॉडल क्लास बनाया और आप मेक माइग्रेशन करते हैं, तो उस केस में आपका जो ये वाला फाइल है किसी अदर फाइल पर डिपेंड नहीं कर रही, पहली बार ही क्रिएट हुआ है, तो उस केस में डिपेंडेंसीज आपके खाली रहेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस हमें देखने को मिलेगी। ये लिस्ट है ऑपरेशंस का, जिसमें आपको पहला ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रिएट मॉडल। तो ये क्या करेगा, एक मॉडल क्रिएट करेगा, यानी कि डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेगा, जिसमें हमें देखने को मिलता है एट्रीब्यूट नेम इक्वल स्टूडेंट, यानी कि हमारा जो मॉडल क्लास का नाम था वह यहाँ पर आता है नेम के साथ। देन फील्ड्स, जो हमने फील्ड नेम लिखे हुए थे, वह सारे हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट की तरह आपको यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। एक आईडी, मैंने कहा था कि अगर आप कोई प्राइमरी की नहीं बनाते हैं तो एक ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाता है, वह यहाँ पर जनरेट होकर आपको दिखाई दे रहा है। आईडी नाम है, मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड है, ये फील्ड टाइप है, और इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब फील्ड ऑप्शंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसको प्राइमरी की बनाया गया है ट्रू लिखकर। इसको ऑटो क्रिएटेड है, ये ट्रू है। सीरियलाइज इसका फॉल्स लिखा गया है, और ये वर्बोस नेम इसका आईडी लिखा गया, यानी कि ये हमारा, ये मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल बस इसको इतना ही देख लीजिए। देन इसके बाद से जो भी आपने मॉडल क्लास में फील्ड लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एसटीयू आईडी मॉडल्स, इंटीजर फील्ड था तो इंटीजर फील्ड आया है। देन एसटीयू नेम, और आपका एसटीयू ईमेल, आपका एसटीयू पास। देन ये हमारा यहाँ से बंद हो जाता है। अभी थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि ये जो हमारा इनिशियल इक्वल ट्रू है, ये क्या बताता है। ये बताता है कि द इनिशियल माइग्रेशंस फॉर एन ऐप आर द माइग्रेशंस दैट क्रिएट द फर्स्ट वर्जन ऑफ दैट ऐप्स टेबल। तो पहली बार अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि आपका कोई मॉडल क्लास है जो कि पहली बार मेक माइग्रेशन हो रहा है, तो उस केस में इनिशियल इक्वल आपका ट्रू, ये वाला एट्रीब्यूट आपको देखने को मिल जाएगा इस फाइल में, जो कि क्रिएट करता है मेक माइग्रेशन कमांड। ये डिफाइन करता है, ये बताता है आपको कि आपके टेबल का ये इनिशियल वर्जन है, पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है। यूजुअली एन ऐप विल हैव वन इनिशियल माइग्रेशन, बट इन सम केसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडल इंटरडिपेंडेंसीज इट मे हैव टू और मोर। जनरली हम लोग सिर्फ एक इनिशियल फाइल देखते हैं हर एक मॉडल का, हर एक ऐप का, बट हो सकता है कि कुछ केसेस में, कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो आपके इनिशियल इक्वल ट्रू एक फाइल में दिखाई देगा, फिर दूसरे फाइल में भी आपको इनिशियल इक्वल ट्रू देखने को मिल सकता है। इनिशियल माइग्रेशंस आर मार्क्ड विथ एन इनिशियल इक्वल ट्रू क्लास एट्रीब्यूट, तो ये मार्क किया गया है, ये बता रहा है कि ये इनिशियल है, यानी कि फर्स्ट वर्जन है ऑन द माइग्रेशन क्लास। इफ़ एन इनिशियल क्लास एट्रीब्यूट इजंट फाउंड, अ माइग्रेशन विल बी कंसिडर्ड इनिशियल इफ़ इट इज़ द फर्स्ट माइग्रेशन इन द ऐप। तो अगर नहीं होता है कि कोई आपका बहुत सारा फाइल है, किसी में अगर इनिशियल इक्वल ट्रू नहीं है, उस केस में जो भी फर्स्ट माइग्रेशन होगा ऐप का, उसको इनिशियल मान लिया जाएगा। ओके, देन डिपेंडेंसीज क्या है यहाँ पर। डिपेंडेंसी एक लिस्ट है, अ लिस्ट ऑफ माइग्रेशंस दिस वन डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये जो हमारा माइग्रेशन फाइल, इसको माइग्रेशन फाइल कहते हैं, तो ये जो हमारा माइग्रेशन फाइल है, ये किस पर डिपेंड करता है, उसका लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल है, स्टार्ट है, पहला वर्जन है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये खाली है। देन ये हमारा ऑपरेशंस का लिस्ट है, तो अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन क्लासेस दैट डिफाइंस व्हाट दिस माइग्रेशन डज, तो ये माइग्रेशन क्या करेगा, उन ऑपरेशंस का यहाँ पर लिस्ट लिखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ क्या ऑपरेशन है, क्रिएट मॉडल, यानी कि ये एक टेबल क्रिएट करेगा। उस तरीके से हमारा ऑपरेशन, अलग अलग बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे रिमूव फील्ड होता है, ऐड फील्ड होता है, आप कोई फील्ड ऐड करेंगे नया तो ऐड फील्ड ऑपरेशन होगा,
फिर अगर कोई फील्ड आप रिमूव करेंगे तो रिमूव फील्ड ऑपरेशन होगा, और बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेशन का नाम है। ये इस फाइल को हम लोग माइग्रेशन फाइल कहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हमें एसक्यूएल का फॉर्मेट दिखाई देता है, इसलिए इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ था पिछले स्लाइड में, बट ये पूरा आप देखेंगे तो ये आपको पाइथन का क्लास ही दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एज्यूम करते हैं कि हमने एक नया फील्ड ऐड किया, यानी कि हमारा जो मॉडल क्लास था उस क्लास में हमारा जो भी था, मैं आपको मॉडल क्लास में लेकर चलता हूँ। ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। यहाँ भी यहाँ पर इतने एट्रीब्यूट्स थे, हमने देख लिया ये इतने फील्ड्स में ठीक ठाक हमारा जो माइग्रेशन फाइल जनरेट था वो इतने का हमें दिखा रहा था। एक एक्स्ट्रा हमारा आईडी क्रिएट हुआ था वो भी हमें दिखा रहा था। अभी मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें एक नया फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा कमेंट इक्वल मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, जो भी मैंने दिया देना था मैंने दे दिया। तो इसके बाद हमने चेंज किया, तो चेंज हमने किया तो इसका इफेक्ट हमें तभी दिखेगा जब हम लोग इसको मेक माइग्रेशन करेंगे। जैसे आप मेक माइग्रेशन करेंगे तो एक नया फाइल, नया मेक माइग्रेशन करने के बाद एक नया माइग्रेशन फाइल आपका क्रिएट होगा, तो वही फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला फाइल आपका जनरेट होगा। एक तो इनिशियल फाइल था अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, लेकिन अब एप्लीकेशन के अंदर माइग्रेशन फोल्डर के अंदर एक नया फाइल हमारा क्रिएट हुआ जो कि है 0002_student_comment.py। ये हमारा मेक माइग्रेशन के बाद जनरेट हुआ, ये हमारा क्या है माइग्रेशन फाइल है। इसके अंदर क्या कोड होता है वह आप देखिए। इसके अंदर आपका जो इंपोर्ट करना था वह सेम एज इट इज़ रहेगा, क्लास सेम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर डिपेंडेंसीज आपको दिखे, यहाँ आपको इनिशियल इक्वल टू नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल नहीं है, ये इस एप्लीकेशन का दूसरा माइग्रेशन फाइल है, इसीलिए आपको यहाँ पर इनिशियल इक्वल टू देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा माइग्रेशन फाइल है ये डिपेंड करता है इस माइग्रेशन फाइल पर। ओके, तो ये हमें यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद इसका ऑपरेशन क्या है, इस माइग्रेशन फाइल का ऑपरेशन है कि ये एक फील्ड को ऐड करेगा, तो माइग्रेशन डॉट ऐड फील्ड नाम का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। और इसमें मॉडल नेम स्टूडेंट है, और इस फील्ड का नाम हमने कमेंट रखा हुआ है, देन इस फील्ड का जो भी अपना प्रॉपर्टी है, बिहेवियर है, वह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये हमारा अ लिस्ट ऑफ माइग्रेशन दिस वन डिपेंड्स ऑन, तो ये डिपेंड करता है किस पर, उसका यहाँ लिखा गया है, और ये हमारा ऑपरेशन है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको में गीकी स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमने किया, हालांकि ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, बट फिर ये देख लेते हैं क्या करना है। पहले हमें प्रोजेक्ट बना लेना है, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट गीकी शोज नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। देन हमें एक एप्लीकेशन बना लेना है, देन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप मॉडल के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मॉडल के लिए अब अलग से आपको सेटिंग्स रिपोर्ट फाइल में जाकर एप्लीकेशन का नाम लिखने का सकता नहीं है। देन अभी तक जो हमने पढ़ा था, जैसे कि आपको अगर टेम्पलेट्स फाइल बनाना है तो आप टेम्पलेट्स फोल्डर बना लीजिए, और आपको स्टैटिक फाइल बनाना है तो आप स्टैटिक फोल्डर बना लीजिए। बाकी के जो स्टेप्स हैं वह मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ मॉडल्स डॉट पी वाई में। तो हमें क्या करना है, मॉडल क्लास बनाना है, तो उसके लिए हमें मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल को ओपन करना है जो कि हमें एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर मिलेगा। ये हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पर हमें मॉडल्स डॉट पी वाई नाम का एक फाइल मिलता है, इसे हमें ओपन करना है। देन हमें अपना मॉडल क्लास इसमें लिखना है जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया उसके अकॉर्डिंग। देन आपको रन करना है मेक माइग्रेशन कमांड, ये वाला कमांड आपको रन करना है। जब ये कमांड रन करेंगे इस क्लास की इक्विवेलेंट आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, साथ में आपका ये फाइल भी आपका बन जाएगा जो कि माइग्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और माइग्रेशन फाइल विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली इनसाइड माइग्रेशन फोल्डर, यानी कि ये वाला, ओके, जो मैंने आपको अभी दिखाया। देन इसके बाद आपको माइग्रेट कमांड रन करना है, जैसे माइग्रेट कमांड रन करते हैं वैसे ही आपका डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप जैसे आगे का प्रोसीजर जो होता है जनरल सा, आपको व्यू फंक्शन बनाना तब बनाइए व्यूज डॉट पी आई फाइल में जाकर। आपको अगर यू आर एल डिफाइन करना है व्यू के लिए तो व्यू के लिए यू आर एल डिफाइन कीजिए। अगर आपको स्टैटिक टेम्पलेट फाइल का कोड लिखनी, स्टैटिक फाइल का कोड लिखना है तो वह भी आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा गीकी स्टेप्स है, मैंने कुछ कुछ स्किप किया हुआ है, जो हमारा मेन है इसमें वह इतना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो पुराना वाला जो है वह वैसा ही रहेगा। अब आप टेम्पलेट फोल्डर अपने एप्लीकेशन के अंदर में बनाना चाहते हैं या फिर रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में, वह जैसे रूल था वैसे ही रहेगा। आप अपने स्टैटिक फोल्डर एप्लीकेशन के अंदर में बनाना चाहते हैं या फिर रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, वह जो रूल था जैसे था वैसे ही रहेगा। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रही, अभी सिर्फ हमारा नया डेटाबेस का काम यहाँ पर इंक्लूड ये वाला अपेंड हुआ है।
तो इतनी सारी चीज़ें भी हमें प्रैक्टिकली देखनी है। तो थियोरिटिकल नॉलेज था हमारा, अभी प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं आपको फील्ड ऑप्शंस दिखाता हूँ और फील्ड टाइप आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको काम आएगी। आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगा कि हम लोग इंटीजर फील्ड लिख सकते हैं, कैरेक्टर फील्ड लिख सकते हैं, ईमेल फील्ड लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा दिमाग में आ सकता है। तो वही सारी चीज़ें देख लीजिए, हम लोग अगर प्राइमरी की लिख इक्वल टू लिख सकते हैं तो और क्या लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, पढ़ाऊँगा नहीं, इसका एक सेपरेट मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट वीडियो में बना दूँ, जहाँ पर मैं आपको फील्ड ऑप्शन जितने भी हैं सभी के बारे में बता पाऊँ, एक एक करके फील्ड टाइप जितने भी हैं सभी के बारे में बता पाऊँ एक एक करके। बट यहाँ पर शॉर्ट में बस देख लीजिए, बाकी अगर आपके पास PPT रहेगा तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। पहले बात करते हैं फील्ड ऑप्शन की। तो हमें ये बिल्ट इन फील्ड ऑप्शंस मिलते हैं जेंगो के द्वारा, बिल्ट इन फील्ड ऑप्शंस, जैसे कि आप नल, अगर किसी फील्ड को नल बनाना चाहते हैं तो आप नल बना सकते हैं। इट कैन कंटेन ईदर ट्रू और फॉल्स, नल इक्वल ट्रू या फिर नल इक्वल फॉल्स आप लिख सकते हैं। जेंगो विल स्टोर एम्प्टी वैल्यू एज नल इन द डेटाबेस, डिफॉल्ट इज फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। और आप इस तरीके से इसको लिखते हैं, नल इक्वल ट्रू या फॉल्स आप लिखते हैं। इस तरीके से ब्लैंक होता है। मैं पूरा नहीं, पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में, वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फील्ड ऑप्शंस हैं। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, उसी तरीके से डिफॉल्ट होता है। इसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड, यानी कि किसी फील्ड का डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि उसका हम लोग फील्ड अगर हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, कमेंट का डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दिया डिफॉल्ट इक्वल नॉट अवेलेबल। तो अगर कोई कमेंट नहीं लिखेगा, कोई कमेंट में वैल्यू नहीं देगा, कोई कमेंट कॉलम में वैल्यू नहीं देगा, तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या रहेगा, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, उसमें इंसर्ट हो जाएगा ये वाला टेक्स्ट। उसी तरीके से ये एक है, उसी तरीके से DB कॉलम है, और हमारा फील्ड ऑप्शन प्राइमरी की है। अगर प्राइमरी की देना चाहते हैं तो प्राइमरी अंडरस्कोर की लिख सकते हैं, ट्रू दे सकते हैं। ये सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे कभी। यूनिक अगर बनाना हो किसी फील्ड को, अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आइडिया मिल रहा होगा कि प्राइमरी की मतलब क्या, यूनिक मतलब क्या, डिफॉल्ट मतलब क्या, नल मतलब क्या, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी। अगर आपने SQL नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो यहाँ वैसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती, बट आपका जो बिहाइंड द सीन वर्क है उसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यूनिक मतलब क्या, लेकिन जो लोग SQL जानते हैं उनको पता होगा कि यूनिक मतलब क्या होता है, टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम फील्ड टाइप्स में आ गए हैं। फील्ड ऑप्शन हमने देख लिया सारा का सारा, अभी हम लोग फील्ड टाइप में आते हैं। फील्ड टाइप का इंटीजर फील्ड हो सकता है जो हमने यूज़ किया। इसका रेंज आप देख लीजिए, इतना से इतना तक है, तो आप देख लीजिएगा इसका रेंज इतना से इतना तक है। अगर आपका जो वैल्यू इस रेंज में आ जाएगा तो बढ़िया है, वरना आप इससे बड़ा वाला जो जो कंटेन कर सकता है फील्ड टाइप, उसका आप ले सकते हैं। जैसे कि वह है बिग इंटीजर फील्ड, जैसे मोबाइल नंबर जब आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो बिग इंटीजर फील्ड उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का वही तरीका है जिससे मैंने मोबाइल लिखा, फील्ड का नाम इक्वल मॉडल्स डॉट बिग इंटीजर फील्ड। देन इसी तरीके से ऑटो फील्ड होता है। देन इसी तरीके से फ्लॉट नंबर के लिए फ्लॉट फील्ड होता है। देन कैर कैरेक्टर्स के लिए कैर फील्ड होता है। टेक्स्ट के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं। देन बोलियन वैल्यू के लिए, यानी कि ट्रू या फॉल्स के लिए आप बोलियन फील्ड ले सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल फील्ड ले सकते हैं। यूआरएल फील्ड है तो यूआरएल फील्ड ले सकते हैं। और अगर आपका बाइनरी डेटा है, इमेज वगैरह है, उसके लिए आप बाइनरी फील्ड ले सकते हैं। तो हमने फील्ड ऑप्शन देखा, फील्ड टाइप देखा, अभी हम लोग मॉडल का ऑपरेशन देखते हैं। मॉडल्स के ऑपरेशन क्या क्या हैं, जैसे हमने क्रिएट मॉडल ऑपरेशन अभी देखा था कुछ देर पहले कोड में, तो ये क्रिएट मॉडल ऑपरेशन है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ बिकॉज़ हम लोग देख रहे हैं, तो क्रिएट मॉडल ऑपरेशन देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये एक क्लास एक्चुअली में, इट क्रिएट्स अ न्यू मॉडल इन द प्रोजेक्ट हिस्ट्री एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल इन द डेटाबेस टू मैच इट। तो ये क्या करेगा, क्रिएट मॉडल के ऑपरेशन क्या करेगा, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेगा, जहाँ पर नेम हमने देखा था, नेम एट्रीब्यूट हमारा उसमें लिखा हुआ था। तो नेम क्या करता है, नेम इज़ द मॉडल नेम। नेम क्या है, मॉडल नेम है, एज वुड बी रिटर्न इन द मॉडल्स डॉट PY फाइल। मॉडल्स डॉट PY फाइल में जो भी आप मॉडल नेम देते हैं वह यहाँ पर इसके लिए देखा जाता है, यानी कि नेम इक्वल वही लिखा हुआ रहता है। फील्ड्स, फील्ड्स इज अ लिस्ट ऑफ टू टपल ऑफ फील्ड नेम एंड फील्ड इंस्टेंस। द फील्ड इंस्टेंस शुड बी एन अनबाउंड फील्ड, सो जस्ट मॉडल्स डॉट कैर फील्ड रेदर देन अ फील्ड टेकन फ्रॉम अदर मॉडल। तो फील्ड क्या है, एक लिस्ट है टू टपल्स का। देन ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल डिक्शनरी ऑफ वैल्यू
फ्रॉम द मॉडल्स मेटा क्लास। देन बेसिस है, बेसिस इज एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ अदर क्लासेस टू हैव दिस मॉडल इनहेरिट फ्रॉम। इट कैन कंटेन बोथ क्लास ऑब्जेक्ट एज वेल एज स्ट्रिंग इन द फॉर्मेट ऑफ एप नेम डॉट मॉडल नेम। यू वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अनदर मॉडल शो यू इनहेरिट फ्रॉम द हिस्ट्रिकल वर्जन। इफ इट्स नॉट सप्लाइड इट डिफॉल्ट टू इनहेरिटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉडल शॉर्ट मॉडल। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ बिकॉज वो हमें देखना पड़ेगा आगे भविष्य में कोड में, तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको पढ़ लीजिए। और जो हमारा मेन है, क्रिएट मॉडल ऑपरेशन एक टेबल क्रिएट करेगा हमारे डेटाबेस टेबल में। देन हमारा मैनेजर्स है यहाँ पर एक, तो मैनेजर टेक्स अ लिस्ट ऑफ टू टपल्स ऑफ मैनेजर नेम एंड मैनेजर इंस्टेंस। द फर्स्ट मैनेजर इन द लिस्ट विल बी डिफॉल्ट मैनेजर फॉर दिस मॉडल ड्यूरिंग माइग्रेशंस। देन इसके अलावा और भी ऑपरेशंस हैं, जैसे डिलीट मॉडल, आपको डिलीट करते हैं तो डिलीट मॉडल ऑपरेशन होगा। देन रीनेम, अगर आप मॉडल को रीनेम करते हैं तो रीनेम मॉडल होगा। आप अल्टर करते हैं मॉडल टेबल को तो ये ऑपरेशन होगा। देन अल्टर यूनिक टुगेदर तो ये वाला होगा, फिर अल्टर इंडेक्स टुगेदर, अल्टर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, अल्टर मॉडल ऑप्शंस, अल्टर मॉडल मैनेजर्स। देन ऐड फील्ड, जहाँ पर मॉडल नेम इज़ द मॉडल्स नेम, नेम इज़ द फील्ड्स नेम, फील्ड इज़ अनबाउंडेड फील्ड इंस्टेंस, और ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन रिमूव करते हैं फील्ड, तो रिमूव फील्ड ऑपरेशन होगा। देन अल्टर फील्ड होगा, देन आपका रीनेम फील्ड है, फिर ऐड इंडेक्स है, रिमूव इंडेक्स है, ऐड कॉन्स्टेंट्स है, देन रिमूव कॉन्स्टेंट्स है। तो इतने सारे ऑपरेशंस हैं, ये हमें मैनुअली लिखना नहीं पड़ता, ये सारे ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, मगर कभी कभी आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमें ये ऑपरेशंस थियोरेटिकली देखना पड़ रहा है, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सेपरेट वीडियो में, अगर मुझे मौका मिला इस कोर्स के दौरान तो। ओके, सारे ऑपरेशन, सारे फील्ड ऑप्शन और सारे फील्ड टाइप मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ, बट इसको भी अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी बहुत ही ईजी सा है। इसको करते हैं अभी हम लोग बंद। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि मॉडल क्लास कैसे बनाया जाता है, एसक्यूएल का क्वेरी कैसे हमारा जनरेट होता है, उसको कैसे हम लोग, उससे हम लोग कैसे टेबल बनाएंगे, कैसे मेक माइग्रेशन काम करेगा, कैसे माइग्रेट काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम लोग कोड में आते हैं। एक प्रोजेक्ट पहले बनाता हूँ मैं, प्रोजेक्ट का नाम हम लोग GS23 रखेंगे। 22 तक हमने काम किया था, साथ में हमने लास्ट टाइम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ था, बट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने Django में। तो एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हमने Django लिखा, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे GS23। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी हम लोग इसके अंदर एक ऐप बनाएंगे। ऐप बनाने के लिए पहले इसके अंदर चलते हैं GS23 के अंदर। देन यहाँ ऐप बनाने के लिए पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम हम लोग रखेंगे इनरॉल। तो ये हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करके देगा जो कि हमने ये वाला क्रिएट किया। देखिए इसकी इस एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर एक फाइल है मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, इसी का हमें यूज़ करना है, और एक माइग्रेशन नाम का फोल्डर भी हमारा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर अभी हमें सिर्फ एक फाइल दिखाई देता है _INIT_.py। ये क्या करता है हमने बहुत पहले ही समझा हुआ। तो पहला काम क्या है, पहला काम यह है कि इस एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए हम लोग अपने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सेटिंग्स डॉट पी फाइल में जाएंगे, और इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर अपना लिख देंगे नाम, एप्लीकेशन का नाम क्या है इनरॉल, हमने इनरॉल लिख दिया, और ये सेव कर दिया, हमारा ये इंस्टॉल हो गया, काम खत्म। अगर मुझे बनाना है इसके अंदर कोई टेम्पलेट, तो मैं इस एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स नाम का। टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, हमें पता है इनरॉल जो एप्लीकेशन का नाम है उसी के अनुसार, तो मैंने इनरॉल नाम का एक फोल्डर भी बना लिया। हमें अगर स्टैटिक फाइल चाहिए तो स्टैटिक फाइल के लिए भी हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर स्टैटिक, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर भी हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे सेम एप्लीकेशन नाम का। हालांकि मैं आपको स्टैटिक फाइल अभी बनाकर नहीं दिखाऊंगा, और स्टैटिक और टेम्पलेट भी नहीं दिखाऊंगा, बस मैंने इसे क्रिएट कर दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं। ओके जी, तो हमें इसमें देखना नहीं, अभी हमें सिर्फ अपना मॉडल ध्यान में रखना है। इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, अभी ये पूरा ध्यान में रखिए, अभी यहाँ पर कोई भी एसक्यूलाइट का फाइल हमें नहीं मिल रहा, हम लोग एसक्यूलाइट
डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो सेटिंग्स डॉट पी आई फाइल में चाहिए, और यहाँ पर आप देखिएगा आपको यहाँ दिखाई देगा डेटाबेस। देखिए डेटाबेसिस ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद है SQLite 3, तो यही वाला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके दिया गया, हमें कुछ भी चेंज करने का आवश्यकता नहीं है, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ भी कोई भी डेटाबेस का कोई भी फाइल हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग रन करें, मैं लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा। जैसे हमने सर्वर स्टार्ट किया, आप देखेंगे कि हमारा एक फाइल यहाँ जनरेट हो गया SDB.SQLite 3, जो कि हमारा रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में है। ये हमारा कहाँ है, रूट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में SQLite 3, ये वाला जिसमें जो कि अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, डेटाबेस का कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है। सर्वर को मैं बंद कर देता हूँ, बस मुझे ये फाइल आपको दिखाना था, और इसको नीचे करते हैं। तो ये फाइल हमारा अभी खाली है, वहाँ कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है एक टेबल बनाना डेटाबेस में। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग एक मॉडल क्लास बनाते हैं। तो मॉडल क्लास बनाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कैसे कि हमारा टेबल बना है डेटाबेस में। चूँकि SQLite 3 अगर MySQL होता तो PHP MyAdmin में हम लोग देख सकते थे, बट SQLite का हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट टूल इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम। इसका Django से कोई लेना देना नहीं है, और प्रोजेक्ट के लिए भी इसका कुछ खास यूज़ नहीं, बस मुझे दिखाना है आप लोगों को ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ अपने सिस्टम में। क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हमें पहले जाना है गूगल क्रोम में, देन आप यहाँ पर सर्च कीजिए SQL ब्राउज़र डाउनलोड, ये लिख कर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको ये SQLiteBrowser.org नाम का ये एक साइट है, इसमें आपको लेकर जाएगा। ये साइट आप ओपन कीजिएगा, डाउनलोड्स में टैब में क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। विंडोज़ के लिए ये है, मैक के लिए नीचे दिया गया है, और बाकी सब लिनक्स वगैरह के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इंस्टॉलर फॉर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम XP विंडोज़ के लिए, 64 है तो 64 के लिए आप कर लीजिए। फिर आपको पोर्टेबल ऐप करना है तो आप पोर्टेबल भी कर सकते हैं, बट पोर्टेबल मत कीजिए, आप स्टैंडर्ड इंस्टॉलर कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, जिप भी नहीं करना है, इंस्टॉलर करना है, चाहे 32-bit के लिए हो फिर 64-bit के लिए, आप देख लीजिएगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी मैं नहीं कर रहा हूँ डाउनलोड, मैं कर रहा हूँ ये नाइटली वर्जन जो है, नाइटली बिल्ड जो है, इसको मैं कर रहा हूँ। तो आप भी ये वाला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब बेहतर क्या है, बस ये ब्लैक दिखेगा तो आँखों में कम असर पड़ेगा, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो नोट में जो लिखा हो यहाँ पर कि ट्राई नाइटली बिल्ड बिलो, तो बिलो में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर लेके जाएगा ये नाइटली बिल्ड्स में। तो बस यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपको एक अलग साइट में लेकर जाएगा। यहाँ पर इसको जूम करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलग अलग इसका फॉर्मेट। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। हमारा MSI फाइल हमें करना है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो यहाँ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और ये डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 16 MB का अभी फ़िलहाल के लिए है, तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये हमारा इंस्टॉलर यहाँ डाउनलोड होकर यहाँ पर है, इसमें राइट क्लिक कीजिए, इंस्टॉल में क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट करना है सिंपली, आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट। डेस्कटॉप में मैं इसका आइकन ले आता हूँ यहाँ पर, और प्रोग्राम मेन्यू में भी नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, फिर एक बार और नेक्स्ट, फिर एक बार इंस्टॉल, और ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको फिनिश में क्लिक करना है, इसका कोई यूज़ नहीं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये वाला हमारा आइकन यहाँ पर, इसको ओपन कीजिए। मैंने इसको ओपन किया हुआ है, देखिए ओपन हो गया हमारा, ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है, होपफुली सबको दिखाई दे रहा होगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसे सिर्फ हम लोग देखेंगे अपना जो SQLite का फाइल है हमारा, जो कि यहाँ पर अभी खाली है, ये वाला फाइल, तो ये यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। इसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे तो टेबल यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए हम लोग ये वाला टूल यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं अभी ओपन करूँ, तो मैं ओपन करने के लिए आपको देखिए ओपन डेटाबेस लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करना है, फिर आपको जाना है जहाँ पर है आपका, हमारा है यहाँ पर ये वाला, तो ये सिलेक्ट करना है, ओपन क्लिक करना। अभी देखिए इसमें कोई भी टेबल नहीं, ये टेबल ज़ीरो दिखा रहा है, सब कुछ ज़ीरो ज़ीरो दिखा रहा है, यानी कि कोई भी हमें टेबल में फोकस करना है, टेबल हमारा कोई भी नहीं है, ज़ीरो है अभी के लिए। इसको नीचे कर देता हूँ, सिर्फ इसमें देखने के लिए हम लोग आएंगे कि हमारा काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। हम लोग अपने कोड में आते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है, ये हमारा डेटाबेस है,
यहाँ हमें एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जेंगो में, हमें मॉडल क्लास बनाना पड़ता है। तो चलिए मॉडल क्लास बनाते हैं। मॉडल क्लास बनाने के लिए अपने एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है, देन मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में यहाँ पर देखिए ये हमारा पहले से इम्पोर्ट करके रखा हुआ है, तो हमें ये इम्पोर्ट करने का आवश्यकता नहीं है। देन सिंपली यहाँ पर क्लास लिखिए, क्लास लिखा स्टूडेंट, क्लास का नाम दिया मैंने। ये क्लास हमारा इनहेरिट करेगा मॉडल क्लास को जो कि जेंगो के द्वारा बनाया गया है। तो मॉडल्स के अंदर है हमारा मॉडल क्लास, तो ये मैंने लिख दिया, कॉलम दिया, और यहाँ पर हम लोग फील्ड नेम लिखेंगे। तो पहला फील्ड नेम मैं बना रहा हूँ STUID, जो हमने PPT में देखा था सेम वही मॉडल्स एज इट इज़ आपको लिखना है। फील्ड नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे केस में मैंने STUID लिखा हुआ है। देन ये हमारा इंटीजर फील्ड बनेगा, तो मैंने इंटीजर फील्ड यहाँ पर लिख दिया। फिर दूसरा हमारा फील्ड जो कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पर STUNAME इक्वल मॉडल्स एज इट इज़ लिखना है। देन ये हमारा कैर फील्ड होगा, तो मैं इसका कर देता हूँ कैर फील्ड। कैर फील्ड में एक आपको यहाँ पर देना पड़ता है आर्ग्यूमेंट जो कि है मैक्स लेंथ, ये ज़रूरी है, इसका मैं 70 कर देता हूँ। उसी तरीके से STUEMAIL इक्वल मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, और इसका भी मैक्स लेंथ हमें देना है, तो मैंने इसका भी 70 कर दिया। देन एक और हम लोग फील्ड बनाते हैं STUPASS नाम से, और इसका भी मॉडल्स डॉट, इसका हम लोग कैर फील्ड देंगे, और इसका भी मैक्स लेंथ में बनाना पड़ेगा, इसका भी मैं 70 दे सकता हूँ, कम या ज़्यादा आप दे सकते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बनाने के लिए क्या करना है, अपना क्लास का नाम रखना है, देन इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस मॉडल क्लास को जो कि जेंगो ने बनाया हुआ है। देन आप अपना एट्रीब्यूट लिखते हैं, यानी कि अपना फील्ड नेम लिखते हैं, और उसका टाइप लिखते हैं। ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फील्ड ऑप्शन लिखना होता, तो मैं क्या करता, मैं लिखता प्राइमरी की ट्रू, तो ये मेरा प्राइमरी की बन जाता है, ये वाला STUID हुआ। ये फील्ड ऑप्शन आपको ऐसे लिखना होता, तो फील्ड ऑप्शन आपने ऐसे लिखा और फील्ड टाइप आपको ऐसे लिखना होता। ओके जी, तो दोनों मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया, लिखा नहीं बट मैंने आपको दिखा दिया। तो आपने बना लिया अपना क्या मॉडल। सिर्फ ये बनाने से हमारा टेबल नहीं बनता, अगर मैं अभी आपको जाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए अभी भी हमारा ये सेम है। इसको आपको एक्चुअली में रीओपन करना पड़ता है क्लोज करके हर बार। तो मैं फिर से अगर आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, तो देखिए अभी भी ये ज़ीरो है, कोई भी हमारा इफेक्ट इसमें नहीं बना है। तो सिर्फ मॉडल क्लास बनाने से काम नहीं होता, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा SQL स्टेटमेंट में। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सेव किया इसको, सेव करने के बाद अभी कुछ कमांड्स जो हमने देखा हुआ था पहले, मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना हमारा माइग्रेशन किया हुआ है, मेक माइग्रेशन कितना किया हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग लिखते हैं एक कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शो माइग्रेशंस। देखिए इतने सारे अभी वेटिंग में हैं, इतने सारे वेटिंग में है माइग्रेट होने के लिए। ये माइग्रेशंस की यानी कि मेक माइग्रेशन करके इनको रख दिया गया। एडमिन एक एप्लीकेशन है हमारा, बिल्ट इन एप्लीकेशन, जिसके अंदर डेटाबेस के कुछ काम करके रखा हुआ है, मेक माइग्रेशन करके रखा हुआ है। एक ऑथ नाम का हमारा एप्लीकेशन है, बिल्ट इन एप्लीकेशन, जिसके अंदर इतने सारे माइग्रेशन फाइल्स हैं। देन कॉन्टेंट टाइप्स नाम का एक एप्लीकेशन है, जिसके अंदर ये सारे हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है इनरोल नाम का, अभी इसमें कोई भी माइग्रेशन फाइल नहीं है। देन एक सेशन नाम का एप्लीकेशन है, जिसके अंदर ये वाला माइग्रेशन फाइल। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन है इनरोल, उसके अंदर अभी भी कोई भी हमें माइग्रेशन फाइल देखने को नहीं मिल रहा, और हमारा माइग्रेशन नाम का जो फोल्डर है ये भी हमारा खाली है। खाली मीन्स इनिशियली कुछ फोल्डर्स और फाइल आपको देखने को मिल रहे हैं, बट वो माइग्रेशन फाइल हमारे नहीं है, यहाँ पर सबको माइग्रेशन फाइल ही दिखाई देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ माइग्रेशन फाइल क्रिएट करके। माइग्रेशन फाइल क्रिएट करके मतलब इस मॉडल क्लास को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं SQL स्टेटमेंट में, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ये आपको लिखना है और आपको इंटरप्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताएगा माइग्रेशन फॉर इनरोल, एक एप्लीकेशन के लिए ही था मॉडल क्लास, तो एक एप्लीकेशन के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए इनरोल फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर 001_initial.py नाम का एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट किया गया है, और यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि क्रिएट मॉडल स्टूडेंट,
ये वाला फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, माइग्रेशन फोल्डर के अंदर। देखिए 0001_initial.py नाम का फाइल आपको देखने को मिलता है। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर अब एक माइग्रेशन फाइल है। अब अगर हम लोग यहाँ पर करें शो माइग्रेशन ये वाला, तो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमें एक देखने को मिल रहा है माइग्रेशन फाइल। क्या इतने से हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है? चलिए दिखाता हूँ मैं आपको हमारा टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पर देखिए अभी भी ज़ीरो टेबल है। अगर मैं इसको रीओपन करूँ, ओपन करते हैं और फिर से ओपन करते हैं, तो देखिए अभी भी ये ज़ीरो टेबल यहाँ दिखा रहे हैं, यानी कि टेबल अभी तक हमारा बना नहीं है, सिर्फ हमारा माइग्रेशन फाइल बना, यानी कि हमारा मॉडल क्लास कन्वर्ट हुआ है एसक्यूएल स्टेटमेंट में। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट दिखाने से पहले मैं आपको जो फाइल हमारा बना है ये वाला माइग्रेशन फाइल, ये देख लीजिए। इसमें इम्पोर्ट ये हुआ, देन माइग्रेशन नाम का एक क्लास बना जो कि इनहेरिट हो रहा है इससे, फिर इनिशियल ट्रू, देन डिपेंडेंसीज में कुछ भी नहीं है, देन ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, क्रिएट मॉडल, यानी कि हमारा ये टेबल क्रिएट करेगा। इसमें नेम हमने दे दिया स्टूडेंट, हमने नहीं दिया, ऑटोमेटिक ये जनरेट हुआ है। देन फील्ड्स इसमें ये सारे हैं। तो ये कोड हमने पहले ही पीपीटी में डिस्कस किया है कि कौन सा कोड क्या कर रहा है, तो हमें दोबारा से यहाँ पर नहीं करना। ये जनरेटेड बाय जेंगो है 3.0.2 इसका जेंगो का वर्जन, और ये तारीख और समय आपको दिखा रहा है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये जो मॉडल क्लास है हमारा, ये कन्वर्ट हुआ एसक्यूएल स्टेटमेंट में मेक माइग्रेशन कमांड से। तो दिखाओ कहाँ हमें कैसे दिखेगा। तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखने के लिए हम लोग एक कमांड रन करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, और एप्लीकेशन का नाम इनरॉल, और इस एप्लीकेशन के अंदर में हमारा जो माइग्रेशन का फाइल है उस फाइल का नाम, तो 00001, बस इतना ही आपको लिखना है, अंडरस्कोर इनिशियल आपको नहीं लिखना है। तो पाइथन लिखना है मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, देन एसक्यूएल, देन एप्लीकेशन का नाम, देन हमारा माइग्रेशन फाइल का नाम, या फिर डीबी फाइल का नाम। हालांकि ये डीबी फाइल का नाम इसको आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि डॉट, क्योंकि डीबी है नहीं, ये माइग्रेशन फाइल, ये पाइथन फाइल ही है एक्चुअली में, बट ऐसे ही जनरली हम लोग कह सकते हैं डीबी फाइल नेम अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी दिमाग की संतुष्टि के लिए। तो ये कमांड आपको रन करना है, मैंने इंटर प्रेस किया और ये आपको दिखा देगा कि ये क्या कर रहा है, क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट नाम का मॉडल क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर आपको एसक्यूएल का क्वेरी देखने को मिलेगा, क्रिएट टेबल। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है, एसक्यूएल आपको आता है, तो आप इस कोड को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्रिएट कर रहा है टेबल, टेबल का नाम होगा ये, देन इसमें कॉलम होगा एक आईडी जिसका यहाँ दिया गया, बिहेवियर की इंटीजर टाइप का होगा, नॉट नल होगा, प्राइमरी की होगा ये कॉलम, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। देन दूसरा हमारा कॉलम नेम होगा एस टी यू आई डी जो इंटीजर होगा, नॉट नल होगा। तीसरा हमारा होगा एस टी यू नेम जो कि वायरकैर 70 नॉट नल, एस टी यू ई मेल वायरकैर 70 नॉट नल, एस टी यू पास वायरकैर 70 नॉट नल। तो ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारा जनरेट हो गया अभी तक। लेकिन सिर्फ जनरेट होने से काम नहीं होता, इसको हमें रन करवाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, तभी हमारा टेबल बनेगा। अभी टेबल हमारा खाली है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार, मैं दिखाता हूँ इसको ओपन करके, देखिए ये खाली है। तो हमें ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग रन करेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, और इंटरप्रेस किया। देखिए ये बहुत सारे जितने भी माइग्रेशन थे, माइग्रेशन फाइल्स हैं, सभी को इसने एग्जीक्यूट कर दिया। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ, यहाँ हमने अपना कमांड लिखा, ये ऑपरेशंस टू परफॉर्म अप्लाई ऑल माइग्रेशंस, तो एडमिन के लिए जो भी माइग्रेशन फाइल थे उसको भी इसने रन किया, ऑथ के लिए जो था वह भी, कंटेंट टाइप्स के लिए था जो वह भी, इनरोल के था वह भी, और सेशन के लिए था वह भी। कंटेंट टाइप्स के लिए ये था ओके हो गया, फिर ऑथ के लिए, फिर एडमिन के लिए, हमारा वाला देखिए यहाँ पर है इनरोल 001_initial ओके, तो हमारा वाला भी रन कर गया। अब हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है डेटाबेस में। तो चलिए डेटाबेस में चलते हैं, पहले तो मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ओपन करेंगे वीएस कोड में, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि दिस द फाइल इज़ नॉट डिस्प्लेड इन द एडिटर बिकॉज इट इज़ ईदर बाइनरी और यूज़ एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग। तो ये अनसपोर्टेड इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। आप जब जस्ट इसको ओपन करेंगे तो ये आपको
उलझुल दिखाई देगा जो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है हमारा जो एप्लीकेशन था, कि ये वाला हमारा एप्लीकेशन था जहाँ हम लोग देखने वाले हैं अपने टेबल को। अभी हमारा जीरो दिख रहा है, अभी इसको ओपन करते हैं। देखिए हमारे इतने सारा टेबल आ गया। हमने एक ही टेबल क्रिएट करने को कहा था इनरोल स्टूडेंट। अगर आपको दिखा दे रहा होगा, मैं जूम कर दूंगा तो आपको दिखाई देगा, ये वाला टेबल हमने क्रिएट करने के लिए बोला था। इनरोल स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना जिसमें आईडी है, स्टू आईडी, ये कॉलम्स के नाम हैं, इनका टाइप है और स्कीमा पूरा यहाँ लिखा हुआ। तो ये हमारा क्रिएट हो गया एक टेबल, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप ब्राउज टेबल करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगी, देखिए टेबल के फॉर्म में आईडी है, स्टू आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ईमेल है, स्टू पास है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टेबल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले से क्रिएट करके रखे हुए थे जेंगो ने। किसके लिए? बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए, यानी कि बिल्ट इन एप्लीकेशन के लिए। कौन से बिल्ट इन एप्लीकेशन? अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इनर प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए, सेटिंग्स पीआई फाइल में, यहाँ पर देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है वह यह है इनरोल। लेकिन यहाँ पर और भी तो एप्लीकेशन पहले से मौजूद हैं। तो इन सारे एप्लीकेशन के लिए जो भी मॉडल क्लासेस होंगी, जो भी माइग्रेशन फाइल होंगी, वह भी हमारा एग्जीक्यूट होता है जब आप माइग्रेट कमांड रन करते हैं तब। तो उनके लिए भी जो टेबल रिक्वायरमेंट थी वह सारी की सारी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपको बहुत सारा टेबल यहाँ देखने को मिल रहा है, बट हमारे काम का सिर्फ यही है अभी के लिए। तो टेबल जी हमने बना लिया, और मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया कि ये वाला हमारा टेबल है। यहाँ से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, बट वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हमारा मकसद बस यहीं तक था, मॉडल क्लास बनाना, इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना, फिर उस कन्वर्टेड एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना, और उस से जो टेबल बनेगा उसको एग्जामिन करना, जो कि हम लोग एग्जामिन कर पा रहे हैं कि हमारा डेटाबेस में एक टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब जितने भी आप फिर से एक मॉडल क्लास बनाइए, उसको मेक माइग्रेशन कीजिए, माइग्रेट कीजिए, फिर एक नया टेबल बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो क्या असर होता है। मान लीजिए मुझे अब याद आया कि मुझे एक और कॉलम बनाना है अपने टेबल में, जिसका फील्ड नेम यानी कि कॉलम का नाम मैं दे रहा हूँ कमेंट इक्वल मॉडल्स डॉट, इसे मैं कैर फील्ड इसको भी दे रहा हूँ, और ये मैक्स लेंथ मैं इसका दे देता हूँ, कितना इसका मैं 40 देता हूँ कमेंट। 40 वर्ड से ज़्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकता है, मैक्स लेंथ मैंने इसको 40 दे दिया। 40 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैंने इसको मैक्स लेंथ दे दिया, कॉमा दिया। अब यहाँ आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है, जब भी आप कोई नया फील्ड ऐड करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो जब आप कमांड रन करेंगे अपना मेक माइग्रेशन माइग्रेट, तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दीजिए। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इक्वल और नॉट, ये हमारा क्या फील्ड ऑप्शन है, तो नॉट अवेलेबल ऐसे आप दे दीजिए, फिर आपका ये स्मूथली रन करेगा, कोई भी सवाल जवाब ये पूछेगा नहीं। अगर यही आप नहीं देंगे तो उस केस में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जब आप कमांड रन करेंगे तब, कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें दीजिए। तो हमने यही दे दिया भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट अवेलेबल, यानी कि जिसमें भी कमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा नॉट अवेलेबल। तो सिर्फ यहाँ लिख देने से हमारे टेबल में इसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैंने इसको लिखा और सेव किया, और मैं आपको डेटाबेस टेबल में यहाँ लेकर चलूँ तो देखिए मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ ताकि हमें इसका असर देखने को मिले। तो देखिए ये वाला हमारा है, ब्राउज टेबल में चलते हैं। देखिए हमारा नया कॉलम अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो ये ऐड तभी होगा जब आप इसको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कीजिएगा तब। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मेक माइग्रेशन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और मैंने इंटरप्रेस करना है। बट उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर सिर्फ माइग्रेशन फिल्टर के अंदर सिर्फ एक फाइल है हमारा 0001 इनिशियल। अभी हम लोग इस कमांड को रन करते हैं। जैसे हमने ये कमांड रन किया, यह हमें बता रहा है कि माइग्रेशन फॉर इनरोल, ये क्या कर रहा है, यह एक नया फाइल बना रहा है 0002 अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर कमेंट, और ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है फील्ड कमेंट टू स्टूडेंट। ये हमने यहीं से पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाता है। इसके अलावा ये फाइल है, ये फाइल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, एक नया फाइल बना ये वाला। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। पहले ये इम्पोर्ट होता है, फिर माइग्रेशन क्लास, फिर ये डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी आपको देख रहे हैं। यहाँ आपको अब इनिशियल इक्वल ट्रू नहीं मिल रहा है बिकॉज़ ये पहला नहीं है, इसी वजह से, यानी कि पहला हमारा मॉडल क्लास
माइग्रेट नहीं हुआ है, इसी वजह से ये दूसरा है हमारा, पहला वाला यहाँ अभी मौजूद है जिसमें इनिशियल ट्रू आपको देखने को मिलेगा, इनिशियल हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता इस वजह से। लेकिन यहाँ डिपेंडेंसीज़ का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है इस लिस्ट में कि ये डिपेंड कर रहा है, ये जो हमारा माइग्रेशन फाइल है ये डिपेंड कर रहा है 0001 इनिशियल इस वाले फाइल में, वही यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या ऑपरेशन करेगा, ये ऑपरेशन कर रहा है एक फील्ड को ऐड करने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐड फील्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इसमें मॉडल नेम स्टूडेंट है, नेम इसका कमेंट है और फील्ड का अपना जो भी बिहेवियर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी कोड हमने समझा हुआ था इसलिए मैं दोबारा से इसमें डिस्कस नहीं कर रहा। तो क्या इस चीज़ से हमारा टेबल, हमारे टेबल में एक नया फील्ड ऐड हुआ? नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। कब होगा? जब हम लोग इसको माइग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको माइग्रेट करते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट लिखना है, देन आपको इंटरप्रेस करना है। ऑपरेशन टू परफॉर्म अप्लाई ऑल माइग्रेशन एडमिन ऑथ कंटेंट टाइप्स इनरोल सेशन रनिंग माइग्रेशन, सभी को अप्लाई किया बट सिर्फ चेंज जो हुआ है वह हुआ है अप्लाइंग इनरोल इस माइग्रेशन फाइल में, तो इसको इसने माइग्रेट कर दिया। अब हम लोग अगर जाकर देखेंगे अपने डेटाबेस में तो देखिए अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कमेंट नाम का कोई भी कॉलम, बट इसको जब रीओपन करेंगे हम लोग, रीओपन करने के बाद जब इस टेबल को फिर से ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट नाम का एक नया कॉलम हमें ऐड होकर दिखाई देगा। उसी तरीके से रिमूव करने का भी सेम काम है, रिमूव कीजिए यानी कि आप मॉडल क्लास से हटाइए और फिर आप मेक माइग्रेशन और माइग्रेट रन कीजिए, फिर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा आपके डेटाबेस में। ओके, तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है इस पर, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। और क्या इसमें बताना है मुझे, एक और बात का ध्यान रखना, जैसे कि मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैंने इसको रिमूव किया, मैंने सेव किया और मैं बिना मेक माइग्रेशन किए हुए अगर सिर्फ माइग्रेट करता हूँ, ये कमांड रन करता हूँ पाइथन में, इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ, सी एल एस कर देते हैं, अगर मैं सिर्फ ये रन करता हूँ, मैंने अपने मॉडल क्लास में चेंज किया बट मैं मेक माइग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ माइग्रेट कमांड रन कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमने इतना पढ़ लिया, अभी आपके दिमाग में इतना चलाना चाहिए कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारा कोई भी माइग्रेशन फाइल क्रिएट नहीं हुआ, हमारा कोई भी माइग्रेशन फाइल क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एसक्यूएल कोड नहीं बना। अब एसक्यूएल कोड नहीं बना तो उसका असर हमें डेटाबेस में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज डेटाबेस के लिए तो एसक्यूएल कोड ही है जो कि बना नहीं है। बना क्यों नहीं आपने? क्योंकि आपने मेक माइग्रेशन नहीं किया चेंज करने के बाद। तो अगर आप मेक माइग्रेशन नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट माइग्रेट करते हैं, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखिए ये कहेगा आपको, शुरू से दिखाता हूँ, ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ये कहता है आपको कि ऑपरेशन टू परफॉर्म, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किस किस पर? एडमिन पर, ऑथ पर, कंटेंट टाइप पर, इनरोल पर यानी कि हमारे एप्लीकेशन पर भी और सेशन पर भी। रनिंग माइग्रेशन, नो माइग्रेशन टू अप्लाई यानी कि कोई भी माइग्रेशन फाइल में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। तो नो माइग्रेशन टू अप्लाई, योर मॉडल हैव चेंजेस दैट आर नॉट येट रिफ्लेक्टेड इन अ माइग्रेशन एंड शो वॉन्ट बी अप्लाइड। ये बता भी दे रहा है आपको कि आपने अपने मॉडल में चेंज किया हुआ है बट अभी तक माइग्रेशन में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसी वजह से वह अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। तो आप क्या करो, आप पहले मेक माइग्रेशन करो, एक नया न्यू माइग्रेशन बनाओ, देन आप रन कीजिए माइग्रेट। तो आपको सब कुछ बता दे रहा है यहाँ पर। ओके जी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर चेंज किया कुछ अपने मॉडल क्लास में और आप डायरेक्ट मेक माइग्रेशन रन किए बिना डायरेक्ट अगर आप माइग्रेट रन कर रहे हैं और आपको असर उसका देखने को मिल ही नहीं रहा और आप दिमाग पकड़ के बैठे हुए। तो ये कॉमन एरर्स हैं, कॉमन लॉजिकल एरर्स हैं जो अक्सर शुरू शुरू में हमें फेस करने को मिलता है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी बस इसमें इतना ही है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जो टेबल बनाया हुआ है उसमें अगर आप कोई डेटा रखते हैं, डेटा रखना नहीं बताऊंगा, लेकिन डेटा अगर आप रखते हैं जो कि आप इस टूल से रख सकते हैं, हालांकि ये सही तरीका नहीं है बट देखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से हम लोग डेटा रखेंगे और इसको वेब पेज में डिस्प्ले करना सीखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।